नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, रॉकी और रानी के प्रेम कहानी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के फर्स्ट एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जिस प्रकार से फिल्म को रिव्यूज मिले हैं, पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं, वैसे भी दोस्तों करण जौहर की एक ऐसी मतलब साख है फिल्म इंडस्ट्री में कि आप जानते हैं कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर एक तरह से उनका एक आधिपत्य है। चाहे YR फिल्म्स हो, चाहे करण जौहर हो, तो उनका काफी बड़ा आधिपत्य है। तो जितने भी बड़े बड़े फिल्मी क्रिटिक्स है, उनको आप चाहे समोसा क्रिटिक्स कहिए या कुछ भी कहिए, उन सब ने, यहाँ तक कि KRK ने भी रॉकी और रानी को एक बहुत बेहतरीन मास्टरमाइंड फिल्म बताया है, ब्लॉकबस्टर फिल्म बताया है, 3.5 स्टार रेटिंग दी है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि किस तरह के रिव्यूज आएंगे। तो काफी पॉजिटिव रिव्यूज फिल्म को मिले हैं, और पॉजिटिव रिव्यूज मिलने का मतलब है कि हालांकि आजकल के जो व्यूवर्स काफी समझदार हो गए हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों जिन्होंने 3.5 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार रेटिंग दी है, उनकी तो मैं बात नहीं करता। लेकिन फिल्म कुल मिलाकर के एक, मैंने पर्सनली बताया आपको रिव्यू में, कि ठीक ठाक फिल्म है, एक बार आप देख सकते हैं, फैमिली एंटरटेनिंग मूवी है, तो ठीक है फिल्म एक बार आप देख सकते हैं। तो 160 करोड़ से ज्यादा के बजट में ये फिल्म बनी है, 178 करोड़ भी फटा मैंने कहीं पे, तो इतना बड़ा बजट है। तो अब देखते हैं फिल्म अपना बजट कवर कर पाती है नहीं कर पाती है। जहां तक आज की बात करें, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो फिल्म है, इसको काफी अच्छे स्क्रीन मिलने थे और मिले हैं, काफी अच्छे शोज है मुंबई, दिल्ली, NCR सभी जगह पे, बेंगलुरु हो चाहे जयपुर हो, कहीं भी हो, तो अच्छे शोज है, अच्छे स्क्रीन है, तो डेफिनेटली फिल्म को अच्छा कलेक्शन भी मिलेगा। इसमें आप मान के चलिए पहले दिन की एडवांस बुकिंग की बात करें तो करीब 4 करोड़ रुपए के आसपास इसकी एडवांस बुकिंग रही है। कल रात को 3.65 करोड़ की एडवांस बुकिंग फिल्म को मिली थी। करीब 74,000 टिकट्स इसके नेशनल जो थिएटर चेन्स है, चाहे इनॉक्स हो, PVR हो या सिनेपोल्स हो, वहाँ पे सोल्ड आउट हुए थे। तो ठीक है, कुल मिलाकर के ये एडवांस बुकिंग देखते हुए अभी जो ट्रेड का प्रेडिक्शन आया है पहले दिन का, वो करीब 12 से 13 करोड़ रुपए का इसका 5 डे का ओपनिंग लगेगी। 12 से 13 करोड़, अब थोड़ा ज्यादा हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि आज किस प्रकार के रिव्यूज मिलते हैं। अभी तक जो मैंने रिव्यूज पढ़े वो काफी पॉजिटिव है फिल्म को, अभी तक कोई नेगेटिव रिव्यूज आए नहीं है। और जहां तक बात करें कि फिल्म मतलब कितना कलेक्शन कर सकती है टोटल मिला करके, तो कल तो फिल्म का अगर आ जाता है तो कल डेफिनेटली बढ़ेगा 2-3 करोड़ रुपए, और संडे को फिल्म और ज्यादा कलेक्शन बढ़ाएगी। तो करण जौहर की फिल्म है और एक फैमिली एंटरटेनिंग मूवी है, जरा हटके जरा बचके फिल्म हिट हो सकती है, और सत्यनारायण की सॉरी सत्य प्रेम की कथा फिल्म हिट हो सकती है। तो ये फिल्म भी डेफिनेटली मुझे लगता है कि बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो जाएगी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।